अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये राजवीर कहाँ रह गया? कितनी देर लगा रहा है? लो आ गया। हे माँ का काहे मचा रहे हो बाबा? पूरी दुनिया छोड़ के बस एक यही शहर था जहां उन्हें होना था। नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो यहां नहीं हो सकते। इसे हमारे भीतर का भरम ही रहने दीजिए। प्लीज प्लीज जा रही है। और किससे मिलने जाऊंगी सिवाय राज के? अरे पर आपको पता है ना? हाँ हाँ मुझे पता है कि लड़की शगुन में नहीं जाती है, रिवाज नहीं है, बट छुप छुप के मिलने में जो मजा है वो तुम क्या जानो रेवा बाबू। हैशटैग रोमांस की सौगात है छुप छुप के मिलना। एक्साइटिंग फन है छुप छुप के मिलना। और अम्मा और बाबूजी की डांट और फटकार है छुप छुप के मिलना। तो आप नहीं जा सकते। माय सोल सिस्टर, राज ने मुझे एक्सपेंसिव नेकलेस दिया है, फोन्स दिए हैं, सो मेनी गिफ्ट्स दिए, रिटर्न गिफ्ट तो देना बनता है ना, इसीलिए मैं जा रही हूँ। अरे तो वो तो हम भी देकर आ सकते हैं ना? या राइट, तुम पक्का उसे दे दोगी? शंकर की कसम। रेवा? हाँ, और इसी बहाने हमारा मिलना भी हो जाएगा। हाँ, तुम दोनों का मिलना भी हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। परफेक्ट। फिर से वही एहसास दे रहे हो भगवान, कृपया हमारे भरम को हमारी हकीकत मत बना देना। रेवा नहीं आई? वो घर पे श्रुति के साथ है। ये आवाज किसकी? मेरी लकी चाम, रेवा। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो इतना परेशान क्यों है? किसे ढूंढ रहा है? ये लो, ये दे देना उसे। और सुनो, जल्दी से वापस आकर मुझे सब कुछ बताना, नहीं तो मैं खुद ही अंदर आ जाऊंगी। ओके? ठीक है। और सुनो, इस बार आज से मिले बिना वापस मत आना।
हाँ हाँ, इस बार आपके प्रभु के दर्शन करके ही लौटेंगे। ठीक है, आप जाएं। फाइन। रेवा। हाँ, जब तुम रात से मिलो ना तो ध्यान से उसे देखना। Hashtag he's one in a million. क्या हो रहा है मुझे, ये क्या फील कर रहा हूं मैं, ये खिंचाव कैसा है? यही चाहते थे ना तुम? देखो, भीख मांग रहे हैं हम तुम्हारे सामने। जिसको हमारे जीवन से इतना दूर भेज दिए हैं, उसे इस घर में हमारे सामने मत लाना, प्लीज प्लीज। हाथ जोड़े हैं तुम्हारे। अरे आप यहां अंदर आइए ना। दादी अभी आप ही के बारे में पूछ रही थी। बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। वो श्रुति दी ने राजवीर जी के लिए कुछ तोहफे भेजे हैं, तो हम बस वही। अरे मुझे दीजिए ना, आप क्यों कष्ट उठाएंगी? कैसे भी करके हमें अंदर जाना ही होगा। अपने वहम को दूर करने का यही एक तरीका है। अरे आप अंदर तो आइए, सभी से मिलकर जाइए और मुंह भी तो मीठा करेंगी ना। शगुन का दिन है और सारी मिठाइयां मैंने ही पसंद की है। आइए ना आप, आइए आइए आइए। ये दूरियां क्यों है अब दरमियां। जाने है तू है अधूरे सिलसिले। जानू मैं जाने है तू है अधूरे सिलसिले। जानू मैं जाने है तू ना हो के भी है गिले। सॉरी दीपा। आई एम सॉरी। अब तुम चेंज कर लो जाके। हाँ रेवा, तुम यहां? अच्छा हो तुम यहां आ गई। अखंड सौभाग्यवती बाबा। अरे नहीं, खुश रहो।
खुश रहो। एक्सक्यूज मी, कश्मीरा जी, गुड न्यूज है, आपका टेंडर शॉर्टलिस्ट हो गया है। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई हो आप सबको। जो टेंडर हमने भरा था वो गवर्नमेंट ऑफिस की तरफ से शॉर्टलिस्ट हो चुका है। अब झूठ बोलूं तो मेरी ब्यूटी चली जाए, आप किसी काम में हाथ लगा दे और वो सक्सेसफुल ना हो, ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना दीदी। रेवा, तेरे कदम बहुत शुभ है हमारे लिए। सब महाकाल करते हैं दादी जी। अब अरे हम तो भूल ही गए थे, वो श्रुति भी हमारा इंतजार कर रही है ना, तो हम चलते हैं। हाँ नमस्ते, आप अपना ध्यान रखिए। आगे हमारा कोई बस नहीं चलता, शायद हमारा साथ होना किस्मत में लिखा हो। किस्मत के आगे हमारा कोई बस नहीं चलता, शायद हमारा साथ होना किस्मत में लिखा हो। हम जिस भरम को दूर करने आए थे उसका क्या करें? उसके गाड़ी में बैठने के बाद वो गाड़ी पर धरती निकल गई कि वो गाड़ी आसमान में पड़ी छू हो गई। खरे सोने की कीमत जौहरी जाने, जाने न धोबी कुम्हार। कुम्हार सजाया घड़ा फटे जब भरे पॉप का भार। तुझे पता है ना कहाँ है वो? तुझे पता है ना देवा कहाँ है? पता? पता? पाँच मिनट, नहीं तो ठीक नहीं होगा। कौन हो तुम लोग? बोल यहाँ से, कौन हो तुम लोग? शैतान। और तू शैतान की नानी? देखिए हम तो हमारी लाडली बेटिया रेवा को ढूंढने आए हैं, भुला गई है कहीं। संसार में खोया ही खुद को पाता है, कुछ ना कहना इनको, समझे? हर हर महादेव। चलो। अरे ऐसा कैसे, हम माँ बाप है उसके, बताइए वरना पुलिस को खबर करेंगे। और नहीं तो का, हमरी रेवा को कहाँ छुपाए हो तुम लोग? अरे वाह अरे वाह, जब इतना ही माया था तो इतने दिन कहाँ सोए थे? चलो निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो हम पुलिस को फोन करेंगे। चल निकल यहाँ से, चलो चलो। हाँ तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त, किसी का कोनो सवाल है? हमारी क्लास के अंत में अगर हमारी परी कोनो सवाल ना पूछे तो वो भी कोनो क्लास हुई भला? चलो पूछो। वो तुम्हारे हाथ में जो शिवजी का मैजिक वाला ब्रेसलेट था वो कहाँ गया? किसी को दे दिया का? नहीं तो वो तो हमें प्राणों से भी प्रिय है, हम किसी को कैसे दे सकते हैं भला? अरे तूने ये श्रुति के गिफ्ट देखे? देख ले भाई, वरना भी इंक्वायरी कॉल आने लग जाएंगे। ओ मेरे तो दिमाग से ही निकल गया।
अरे ये तो रेवा का लगता है। What? हाँ ये सब लेकर तो रेवा ही आई थी ना, तो शायद गलती से अटक गया होगा। लेकिन हमें नहीं पता कहाँ चला गया। अच्छा चलो हम बाद में बात करते हैं। हाँ हे शंभु, हमें छोड़ के कहाँ चले गए तो? ध्यान कहाँ है तेरा? और ये ब्रेसलेट के बारे में इतना क्यों सोच रहा है? हो सकता है ये श्रुति का हो। पतझड़ से प्रेम हो पे इस पल को खिलना ही था तेरा है। ऐसे कब तक भागते रहेंगे? कहीं तो छिपने की जगह ढूंढनी चाहिए। God damn it, what's wrong with me? क्या हो गया? पागल हो गया? प्रॉब्लम क्या है तेरी? हमारा मन बहुत ही घबरा रहा है शिव शंभु, और आप भी नहीं है हमारे साथ। हमारी मदद कीजिए। रीवा, कभी तो भगवान जी को अकेले छोड़ दिया करो हर वक्त। क्या हुआ, सब ठीक तो है? नहीं, वो हमारा शिवजी वाला ब्रेसलेट, वो पता नहीं कहाँ गिर गया। समझ में नहीं आ रहा कहाँ। तो कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई, मैं तुम्हारे लिए नया ले आऊंगी। पर अभी ना मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो सिर्फ तुम कर सकती हो। #itsurgent, तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। ओके अर्जेंट वर्क, क्या तुम प्लीज इसे मेरे पैरों में लगा सकती हो? आई मीन अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो मेरे पैर छूने में। कैसी बात कर रही हैं आप, अपनी बहन के पैरों को छूने में भी भला किसी बहन को प्रॉब्लम होती है का? बैठिए। थैंक यू। पता है कल तो इतना सारा काम है ना, मतलब तुम ना एक काम करना, तुम जल्दी उठ जाना और जल्दी उठ के मुझे उठा देना। नहीं 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 नहीं, तुम पहले मुझे मत उठाना, तुम पहले खुद उठना, फिर खुद रेडी होना और फिर मुझे उठाना। क्योंकि एक बार तुम मुझे रेडी होने में हेल्प करने लग गई, फिर तुम्हें रेडी होने का तो टाइम ही नहीं मिलेगा, है ना? कहाँ चला गया हमारे शंकर का ब्रेसलेट? कल तेरा इतना बड़ा दिन है और तू अपने हाथ पर तुड़वाने में लगा हुआ है। तो मुझे कोई शौक थोड़ी ना इसका। कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी लाइफ में, सब परफेक्ट है। मैं उस लड़की से शादी करने जा रहा हूं जिससे हमेशा से प्यार करता हूं। सब खुश है, मेरी फैमिली खुश है, तो मुझे भी खुश होना चाहिए ना। बार बार उस इंसिडेंट के बारे में सोच रहा हूं जिसके बारे में मुझे सोचना नहीं चाहिए, जो मेरे लिए मैटर नहीं करता। क्यों 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 क्यों? पागल हो गया है? पागल हो गया तू? आई नो, अब मुझे लग रहा है कहीं मैंने सबसे वो बात छिपाकर बहुत बड़ी गलती तो नहीं की, कहीं मैं श्रुति के साथ गलत तो नहीं कर रहा। तुझे क्या लगता है, ये सब बताने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? सब लोग खुशी खुशी इस चीज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। नो राज, तेरी फैमिली, तेरा घर, सब कुछ दांव पे लग जाएगा। जस्ट रिलैक्स, ओके? जस्ट रिलैक्स। तुझे उस लड़की की हेल्प करनी थी, तूने की। अब वो अपने रास्ते चली गई है तो तू ब्रेक क्यों लगा रहा है? देख, जो होना था हो गया, तेरे हाथ में कुछ नहीं था, पर अब जो तेरे हाथ में है प्लीज उसे छूटने मत दे। यू आर राइट, शायद मैं अपने गिल्ट की वजह से ये सब सोच रहा हूं, क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद मैंने एक बार भी पता करने की कोशिश नहीं की कि वो ठीक है, कहां है, कैसी है, और यहां आकर अपनी लाइफ में बिजी हो गया।
भाई भाई मेरा एक काम करेगा, प्लीज मना मत करना, तेरा एहसान रहेगा मुझ पर। अरे हाँ बोल ना। उस लड़की का नाम तो नहीं पता मुझे, लेकिन उसके गांव का नाम तुझे भेजता हूँ। तू वहां जा, वहां जाके सरपंच से मिल और पता कर कि जिस लड़की की शादी उस बुड्ढे से होते होते रह गई, कहीं उसके मां बाप उसे वापस तो नहीं ले आए। वो सेफ तो है ना? प्लीज भाई। यार तू कैसी बातें कर रहा है, कल तेरा संगीत है, एक दिन पहले बोलता तो मैं कर भी सकता था। अब किसी अनजान जगह पे जाके किसी अनजान लड़की के बारे में पता करना कैसे हो पाएगा? देख भाई मेरी बात सुन, तू अभी जाएगा तो कल संगीत से पहले तक वापस भी पहुंच जाएगा। प्लीज माना मान जा यार, मेरा दिल खत्म करके मूव ऑन करने का बस यही एक तरीका है मेरे पास, प्लीज मना मत कर। ठीक है जाता हूं, अभी प्लीज बोलना बंद कर। चल ध्यान रख अपना। हम दोनों को पता है कि उस दिन हमारे अलग होने के बाद हमारे रास्ते भी अलग हो गए थे, फिर क्यों तुम्हारे साथ कुछ गलत होने का ख्याल ऐसे खाया जा रहा है मुझे? अब देखिए मिलके भी हम ना मिले दंगल प्ले पर